अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके यही कहूँगा, 500 साल के संघर्ष में जो, क्योंकि राम हमारे आराध्य देव हैं और राम की आज के हालात में उनके संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। आज सब कुछ होते हुए भी आदमी उन चीज़ों से भटक रहा है, तो आज उनका संस्कार जो है आम आदमी में आए, और मैं चाहता हूँ 22 तारीख को आने वाले समय में रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे और पूरे देश में आज रामय हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ सुन भी रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग 22 को अपने घरों में 5-5 दीपक जला कर एक दिवाली का उत्सव मनाने का काम करें, क्योंकि ये 500 साल का संघर्ष है, लाखों लोगों ने इसमें अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी सर आप? हम तो सदा तैयार ही रहते हैं, क्योंकि हम कभी बैरिक में गए ही नहीं, हम आराम विश्राम के लिए तो गए ही नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो इस देश को, राष्ट्र को मजबूत बनाना है, व्यवस्थाओं को ठीक करना है, वो अगर हम ही बैठ गए तो कौन ठीक करेगा। तो आज पार्टी आदरणीय मोदी जी, आपने देख रहे हो विश्व में डंका बज रहा है, अगर वो मेहनत नहीं करते तो कैसे मुमकिन हो पाता। आज मनोहर लाल जी भी व्यवस्था परिवर्तन का हरियाणा में काम कर रहे हैं, वरना तो आपने देख रहे थे कि भाई भतीजावाद चलता था, नौकरी भी उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनकी नेताओं से जानकारी थी या जिसकी जेब में माल था। तो और आज आप देख रहे हो कि हमने इस 8-9 साल में मनोहर लाल जी की सरकार में इस क्षेत्र में पहले जो सफ़ेद जूतियों वाले सफ़ेद कपड़े वाले घूमते थे उन पर बैन हो गया, ये व्यवस्था परिवर्तन है। सर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में काम होता था लेकिन बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार होगा। देखिए आपने मेरे सामने 2-3 मुद्दे रखे, अभी पुल का ही था भ्रष्टाचार का, तो ये इतनी बड़ी पोल आपके सामने है, अगर 2 साल पुल बने ही नहीं हो गया और वो टूट गया तो माल खा गई बांदरी डंडा खाओ मेरा जैसा रीच, क्योंकि माल तो ये लोग समेट गए। ऐसे ही आप बहुआ की PHC को ले लीजिए, ऐसे ही आप लुखी की आपका क्या नाम है जलघर को ले लीजिए, ऐसे ही गुरावड़ा की बिल्डिंग जो आज खाज सारी बिल्डिंग गिरने को है, आज हमने उसमें 2 करोड़ रुपए लगा के उसको टेंट पेंट करके ठीक करने का प्रयास जारी है। तो भ्रष्टाचार तो ये जननी है, आज भी आपने देखा ED का छापा पड़ रहा है कि कांग्रेस के पे, और आपने देखा है कि इनेलो के नेता पे भी ED का जो खानों का मामला था उस पे छापा पड़ रहा है। तो आज और पिछले दिनों 350 करोड़ रुपए कांग्रेसी के घर से ही निकले सांसद के, यहाँ सारी मशीनें फेल होगी नोट गिनते गिनते, तो यही तो चेंज करना है। तो भ्रष्टाचारी दूसरे पे लक्षण जो बेशरम हो जाए वो दूसरे पे लक्षण लगाता है ताकि थोड़ा बहुत तो वो डाइल्यूट हो, लेकिन ये जनता है आज समझदार है, जनता है सब जानती है। आज इलाके को रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसमें GM साहब अपने देवदूत जी का बड़ा प्रयास है, और आपने देखा कि इनके प्रयास से आज 2 बसें आज हमने हरी झंडी दिखाई है, जो कोसली से हरिद्वार और कोसली से आगरा, और तीसरा भी निकट भविष्य में हम श्याम बाबा के लिए भी ये रास्ता खोलेंगे, एक नई बस और चलेगी। तो आज निरंतर लोगों को यातायात में असुविधा ना हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा। और साथ ही आपने देखा कि पिछले दिनों जो हरियाणा एक्सप्रेस बंद थी और बहुत सारी गाड़ियाँ बंद थी, लेकिन अब 25-30 साल बाद हरियाणा एक्सप्रेस चलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, और उसके बाद निरंतर कितनी ही ट्रेनें आज हमने वहाँ पे चलाई हैं। और मैं रेल मंत्री जी का भी, आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूँगा कि अब हमारे रेलवे स्टेशन का भी जहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है 14 करोड़ रुपये लगा के, तो जल्दी ही ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। थोड़ी बीच में कॉम्प्लिकेशन ज़रूर कोविड और किसान आंदोलन की आई थी, वरना तो ये बहुत पहले ही सब चीज़ हो जाती है। एक कोसली का बस स्टैंड भी खंडर हो चुका है, कभी गिर सकता है कोई हादसा? देखिए अभी उसकी परमिशन उसको डिमोलिश करने की मिली नहीं है, क्योंकि उसका पैसा हमने जमा करा है डिमोलिश के लिए, 11 लाख रुपए अभी जमा किया है, तो वो एक लंबी प्रक्रिया होने के कारण से जब डिमोलिश हो जाएगा तब बनाने की बात करें। एक कोसली का पुल है सर, वो पुल आप देख ही रहे हो निरंतर, मैंने विधानसभा में भी 4-5 बार उठाने का काम किया, और उसमें भी हमने डेट भी फिक्स कराई कब से कब तक हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि आप देख रहे हैं वो प्रोग्रेसिव है अभी, और सारा पुल तोड़ के सारा हटा दिया गया है, दोबारा से पुनर्निर्माण के आज बीम सब तैयार हो गए, पिलर की हम
थोड़ी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है, क्योंकि अब हम चाहते हैं ना कि उसकी वीरिंग कैपेसिटी उतनी हो ताकि बार बार ये समस्या आगे ना आए, तो उसकी हमने टेस्टिंग भी करा दी है जो पिलर है, ताकि बाकी तो हमने सारा तोड़ ही दिया और अब नया पुल बनवाएंगे उसको। एक माजरा एम्स का टेंडर पास हो चुका, लेकिन जनवरी माह में उसका उद्घाटन होना था, लेकिन कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, 15 तारीख को उसका टेंडर काम शुरू हो जाएगा उस पर, तो L&T जो बड़ी फर्म है उसको वो काम अलॉट हो गया, वो जल्दी काम 1230 करोड़ रुपए का काम वो चालू हो रहा है। एक अयोध्या तो बहुत बड़ा एक नया शहर बसेगा इस क्षेत्र के लिए, तो ये वरदान है, इतना आसान नहीं है कहना तो, लेकिन ये तो इस क्षेत्र के लिए वरदान है। और एक नई सिटी बसेगी तो बहुत सारे कम से कम 10-15 हज़ार लोगों को रोजगार भी इसके अवसर प्राप्त होंगे।